चीन में क्रूर लॉकडाउन से भूख प्यास से तड़पे लोग। सरकार से मांग रहे खाना, बजा रहे भारतीय गाना। खाना मांगने के लिए जीमी जीमी आजा आजा बजाया। कोरोना महामारी का प्रकोप चीन में फिर से बढ़ता जा रहा है। चीन के कई शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसा ही एक शहर है जेंगझाओ। इस शहर में इतना बड़ा संकट आया है कि लॉकडाउन के चलते लोगों के घरों का खाना खत्म हो गया है। लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग लॉकडाउन के चलते निकल नहीं पा रहे हैं। इसी भूख प्यास के चलते लोगों ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। बगावत थामने के लिए लोगों को और कड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच टिकटॉक जैसी चीन की सोशल मीडिया साइट डियोइन समेत कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें लोग सरकार की जीरो कोविड नीति के तहत लॉकडाउन के फैसले का विरोध कर रहे हैं और इन वीडियोज में बप्पी दा के ट्रैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बप्पी लाहिड़ी द्वारा लिखे गए पार्वती खान द्वारा गाए गए इस गाने की तर्ज पर चीन के मंडारिन भाषा में एक नया गाना लिखा गया है, जीमिल जीमिल, जिसका अर्थ होता है मुझे चावल दो, मुझे चावल दो। वीडियो में लोग खाली बर्तन के साथ नाच रहे हैं और कैसे वो लॉकडाउन के कारण खाने पीने की जरूरी सामान से वंचित हैं इस बात से सरकार को अवगत करा रहे हैं। लोग सरकार से कठोर कोविड प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि वीडियो अभी तक सोशल मीडिया पर मौजूद है, जबकि सामान्य तौर पर सरकार आलोचना करने वाले वीडियो को तत्काल हटा लेती है। बता दें कि सख्त लॉकडाउन के चलते लोगों का धैर्य चीन में जवाब दे गया है। जेंगझाओ शहर जहां पर आईफोन बनाने की फैक्ट्री है, कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन की वजह से उस फैक्ट्री में भगदड़ मच गई थी और सैकड़ों मजदूर अपने अपने घरों के लिए बाउंड्री वॉल पार करके भाग गए थे। ऐसी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जिनमें देखा जा सकता है कि कुछ कर्मचारी बाउंड्री वॉल की जाली कूद कर भाग रहे हैं। मजदूर किसी भी तरह से लॉकडाउन में फंसने को तैयार नहीं है और अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। जेंगझाओ में एप्पल की सबसे बड़ी असेंबलिंग यूनिट है। इस यूनिट में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। चीन में कोरोना के डर से कर्मचारी लगातार अपने घरों की तरफ पैदल ही निकल गए। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि फॉक्सकॉन के मालिकाना हक वाले इस प्लांट में भागने के दौरान कई कर्मचारी बाउंड्री कूद रहे हैं। बता दें कि चीन से हाल ही में खबरें आई थी कि कई कर्मचारियों को क्वारंटाइन में रखा गया है क्योंकि कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉक्सकॉन में लगभग 3 लाख कर्मचारी काम करते हैं। दुनिया भर में बिकने वाले आईफोन में से आधे से ज्यादा इसी प्लांट में तैयार होते हैं। चीन के नए सिरे से कोरोना महामारी फैलने के बाद अफरा तफरी मची हुई है। लॉकडाउन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है और लोग पैदल ही अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज और फोटोज में साफ देखा जा रहा है कि लोग दिन रात पैदल चलकर किसी भी हाल में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।